भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर फिरोजाबाद जिलाधिकारी कार्यालय में दिया ज्ञापन। इस दौरान प्रदेश महासचिव ने चेतावनी दी, समस्याओं समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव विशेष यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अफसर को 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, चाहे सड़क जाम करनी पड़े, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। के बाद अगर ये हमारी जो हमने मांगे की हैं हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी तो हम जिले पर भी धरना करेंगे और रोड जाम भी करेंगे। क्या मांगे हैं? हमारा सर्वप्रथम तो यह है, हमने ये दिन से कहा था कि जो देहात वाली बिजली है जो किसानों को मिल रही है और गांव घरेलू वाली जो बच्चे सुबह 4 बजे से 3 बजे से लेकर 6 और 7 बजे तक पढ़ाई करते हैं और शाम की टाइम जो 7 बजे से और 11 बजे तक रहती है उस टाइम पर ये बिजली विभाग के लोग बिजली काट देते हैं, जिससे बच्चों के भविष्य पर बहुत काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ने का टाइम जब होता है तब बिजली चली जाती है और हर घर के बच्चे के पास इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है तो वो व्यवस्था नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में वो पढ़ नहीं पाते हैं सुबह, जबकि एग्जाम चल रहा है, 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं उसके बावजूद भी कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है उसमें। दूसरा ये है किसानों के ये MSP वाला जो गारंटी वाला वो चल रहा है, एक हमारी जेड़ा परियोजना है उसमें किसानों को कम लाभ मिला है और कुछ लोगों को ज्यादा मिल गया है, वहां पर मोह देखा हुआ सौतेला बहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसके